रायबरेली पहुंची स्मृति ईरानी, विपक्षी दलों पर किया वार, कहा हमें क्षेत्र के सभी नाली खड़ेंजों की जानकारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी मेटाडोर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 15 घायल। मथुरा में आशीर्वाद पथ सम्मेलन का आयोजन, आरएलडी अध्यक्ष ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, बीजेपी विधायक ने की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात, हर संभव का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर चर्चा हो सकती है शाम 5:30 बजे। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में चर्चा होगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत दे सकती है सरकार, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर चर्चा हो सकती है। जानकारी मिल रही है कि जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे राहत भी सरकार दे सकती है। तो डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर अहम चर्चा आज शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, तमाम बड़े जो मंत्री हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में चर्चा होगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत सरकार दे सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले बड़ा तोहफा जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीएम आवास पर शाम 5:30 बजे ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक आज होने जा रही है सीएम आवास पर? बिल्कुल, देखिए बता दो कि आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सीएम योगी 5:30 बजे की बात पर बैठक करेंगे वैट टैक्स को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष को बन गया है, वो है डीजल पेट्रोल की महंगाई। इसी बात को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पे हावी है और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने आपातकालीन आज बैठक बुलाई है। उसमें ये फैसला ले सकते हैं कि शायद डीजल और पेट्रोल पे वैट टैक्स लागू हो सके तो जनता को कुछ। बिल्कुल दानिश, और दीपावली से पहले ये अचानक बैठक और सीएम आवास पर 5:30 बजे डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत दे सकती है, ऐसी उम्मीद है। तो यानी कहा जा सकता है कि एक बड़ा तोहफा योगी सरकार देगी अपनी जनता को। अब बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से राहत इसलिए मिल जाएगी क्योंकि सभी का आवागमन पेट्रोल और डीजल से। अगर डीजल पे वैट लगता है तो डीजल का रेट कम होगा, तो भाड़े में बढ़ोतरी की जगह कमी आएगी। यानी कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को लेकर के जो माल वाहक हैं उससे डीजल पेट्रोल पे अगर मान लीजिए वैट टैक्स लगता है तो कहीं ना कहीं इसके साथ में तमाम चीजों की जो सर्विस होती है उस कहीं ना कहीं सस्ते हो जाएंगे, यानी और महंगाई पे अंकुश लगेगा। क्योंकि डीजल तो भाड़ा जो है पैसेंजर के यात्री का टिकट है या सामान के आवागमन की टिकट है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। बिल्कुल दानिश, इसके अलावा कोई और चर्चा इस बैठक में? नहीं, फिलहाल के तो अभी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी मार्च से लेकर बैठक कर रहे हैं। इसमें जीवन शर्मा भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण भी आएंगे। इसमें सलाह ली जा सकती है यही करने की 90% तक चांसेस ये हैं कि आज कोई न कोई सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को दिवाली का बोनस समझकर वैट डीजल और पेट्रोल पे दिया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि योगी सरकार लगातार ये कहती है कि हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 2022 से पहले हम देख रहे हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो तमाम चीजों में हो गया है। जैसा कि कभी योगी आदित्यनाथ कुछ और योजनाओं का लाभ जनता को देने की बात करते हैं, तो कभी आज डीजल पेट्रोल पर बात कर रहे हैं। इसे चुनावी एक प्रोपेगेंडा भी कहा जा सकता है? अब बिल्कुल चुनावी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अभी कल की डेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लैपटॉप को लेकर के जो है आदेश भी कर दिया है कि कितने लैपटॉप कितने बांटे जाएंगे और कितने के लैपटॉप कितने पड़ रहे हैं। तो इसके बाद दूसरा आज जो इन्होंने आज घोषणा करने जा रहे हैं वो है डीजल पेट्रोल पर वैट टैक्स।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि दो दिनों में जनता को राहत देने के लिए और साथ में युवाओं को जोड़ने के लिए योगी सरकार प्रयास कर रही है। और विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि महंगाई डीजल एंड पेट्रोल, इसी को लेकर के विपक्ष इनको घेर रहा था। तो आज हो सकता हो बिल्कुल दानिश्वर, इस मुद्दे की काट जो है वो योगी आदित्यनाथ ने ढूंढ लिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में चर्चा हो सकती है और डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो सकते हैं, बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आशियाना मित्रता की कसौटी भी रहा। बता दें कि यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है जो आसियान और भारत को शीर्ष स्तर पर संवाद का मौका प्रदान करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भी नवम्बर में 17वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो आसियान भारत सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना पर पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में आपसी संवाद जो है वो कम हुआ, लेकिन ऐसे में डिजिटल जो संवाद हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है और इससे जो देशों के संबंध हैं वो बने रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सलौन तहसील पहुंचे स्मृति ईरानी ने ममुनी और धरई गांव में जाकर जनता को संबोधित किया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लाभार्थियों को चेक भी बांटे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने गांधी परिवार पर अप्रोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा है कि रायबरेली में दो दो सांसद हैं, हमें तो क्षेत्र के सभी नाली खड़ंजों के बारे में जानकारी है, लेकिन क्या दूसरे को भी इसकी जानकारी है? तो रायबरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विपक्षी दलों पर हमलावर होती हुई नजर आई हैं। तो एक दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंची और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमलावर होती हुई नजर आई हैं। देश में ड्रग्स केस को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने एक अहम बयान दिया है। रामदास अठावले ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ड्रग्स पर कानून को बदलने की जरूरत है और इस मामले में पकड़े गए युवाओं को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेजना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन कानून में एक प्रावधान है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को बदलने की जरूरत है। हमारे मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन के आरोपी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। तो ड्रग्स केस में लगातार सियासी घमासान जोरों पर है। ड्रग्स पर कानून बदलने की जरूरत, रामदास अठावले ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे देश में अगर कोई शराब पीता है तो उसके लिए जेल नहीं है, लेकिन अगर कोई ड्रग्स का सेवन करता है तो उसके लिए जेल है, लेकिन ऐसे में उसे सुधार गृह भेजना चाहिए, कानून में बदलाव करने की जरूरत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केपी गोसावी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। केपी गोसावी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे से हुई है। गोसावी पर पुणे में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। केपी गोसावी की गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस ने कहा है कि गोसावी ने सरेंडर नहीं किया है, हमने अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। किरण गोसावी पर युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर लाखों की ठगी करने के मामले में केस दर्ज है। इस केस के बाद अब गोसावी के खिलाफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में दर्ज मामलों की संख्या 4 हो गई है। आर्यन खान केस में गवाह केपी गोसावी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों से फरार चल रहा था, लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। पहले खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने सरेंडर नहीं किया है, हमारी इंटेलिजेंस टीम ने उसे ढूंढ निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी में एक मेटाडोर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि गाड़ी के गिरने से उसमें सवार 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
तो रोड़ा में मेटाडोर खाई में जा गिरी, इसमें 10 लोगों की जान चली गई है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भीषण हादसा, ये दर्दनाक हादसा, जहां पर डोडा में मेटाडोर अचानक खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही 10 लोगों ने दम तोड़ दिया, 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। मथुरा जिले के जाट बाहुल्य क्षेत्र माट विधानसभा के मोरकी इंटर कॉलेज मैदान में बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल की ओर से आशीर्वाद पथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि जब मोदी जी आए तो नोटबंदी होने से घर घर की पूंजी खत्म हो गई, साथ ही छोटे कारखाने, छोटे व्यापार, सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार भी खत्म हो गया। वहीं जब कोरोना आया तो बेड के साथ ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं योगी जी कहना चाहता हूं कि अब आपका समय जो है वो भी खत्म हो गया है। तो मथुरा में आशीर्वाद पथ का सम्मेलन का आयोजन किया गया। आरएलडी अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो सत्ता पक्ष पर तमाम सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उन्होंने जनता को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया है। जनता को नोटबंदी, कोरोना जैसी तमाम समस्याएं जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन का संकट लगातार गहराता गया, लेकिन कुछ ना हो सका। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो लगातार ये कहते हैं कि प्रदेश में विकास हो रहा है, लेकिन कितना विकास हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आशीर्वाद पद का कार्यक्रम चल रहा है, निरंतर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। जिन लोगों ने चौधरी साहब के साथ काम किया, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ किया, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास है। और जो यूपी की चुनौतियां हैं, जो यूपी के मुद्दे, उनको लेकर हम जा रहे हैं पब्लिक के। जयंत जी हर जिले में जा रहे हैं और वो कार्यक्रम आज मथुरा में था। इन्होंने यहाँ पे किसानों से संबंधित, गरीबों से संबंधित जो घोषणाएं की हैं वो वास्तव में बहुत प्रभावकारी हैं। बीजेपी ने तो सिर्फ जुमले उछाले, 2 करोड़ रोजगार वाला, 6,000 जो किसानों को दे रहे हैं, हर महीने पेट्रोल डीजल की कितनी कीमत बढ़ रही है, वो 6,000 क्या महीने में 4-5 हज़ार बढ़ जाते होंगे। लेकिन जयंत जी ने वास्तविक और जनता के हित की जो घोषणाएं की है, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बदायूं के थाना फैजगंज बिहाटा क्षेत्र में बीते रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान की जीत जाने पर कस्बा निवासी नियाज नामक युवक ने देश विरोधी पोस्ट फेसबुक पर डाल दिया, साथ ही पाकिस्तान के झंडे के साथ एक पोस्ट को फेसबुक पर शेयर किया। वहीं इस फेसबुक पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष पुनीत कुमार शाक्य ने युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके चलते पुलिस ने युवक पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से यहां के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। वहीं गांव के हालातों का जायजा लेने भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, तहसीलदार राजू कुमार कानून को बलवीर सिंह और लेखपाल महेश्वर सिंह गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद का आश्वासन भी दिया है। तो फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के पानी से कई गांव डूबते हुए नजर आए हैं। बीजेपी विधायक ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, हालचाल जाना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद की, जिस तरह से बीते दिनों हुई बारिश से गांव के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, ऐसे में किसानों का बहुत नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन दौड़ा करते थे, वहां नाव चल रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये नदी है या सड़क है, कहना मुश्किल। फर्रुखाबाद की तस्वीरें, स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है, कई गांव बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे आम जनता बेहद त्रस्त नजर आ रही है। बीजेपी विधायक यहां पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है हर संभव मदद का, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की फसलें तो खराब हुई हैं, घुटनों तक पानी खेतों में भर गया है। ऐसे में सड़कों पर, जमीन पर नाव तैरती हुई नजर आ रही है। तो फर्रुखाबाद की तस्वीरें, बीते दिनों हुई बारिश से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदियों का पानी गांव में आ रहा है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं,
कई पशुओं की जान चली गई है, कई लोगों की जान चली गई है। सड़कों पर नाव के सहारे लोगों को आना जाना पड़ रहा है। तो फरुखाबाद की तस्वीरें, बीजेपी विधायक ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। स्कूल परिसर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पुनित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? फरुखाबाद के कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, क्या अब राहत मिल रही है लोगों को? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से फरुखाबाद की जो स्थिति बनी हुई है, करीब करीब 50 से 60 गांव जो है बाढ़ पीड़ित हैं, और जिस तरह से गंगा और रामगंगा के जो बीच का इलाका है और जो गांव है उनमें जिस तरह से तबाही गंगा और रामगंगा ने मचा रखी है, वो पूरी तरह से जो है लोगों को सड़क पर ला के रख दिया है। लोग पॉलीथिन पान के सड़क पर रह रहे हैं और प्रशासन से मदद के नाम पे अभी उन पीड़ितों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अभी दो दिन पहले विधायक जो थे वो गए थे गांव वालों के बीच में, तो वहां पर जो है विधायक के साथ में गांव वालों ने हड़ताल की, जिसके बाद लोग जो है मुश्किल में हैं और उनकी मदद को कोई तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, अपने देखा जाए तो गांव के हालात जो हैं बेहद बदतर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर नाव तैर रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने परेशान होंगे। ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको लेकर क्या बीजेपी विधायक ने कोई समाधान निकाला? आप देखिए, जिस तरह से पूरे के पूरे गांव जो है 50 से 60 गांव जो बताए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, और जो गंगा और रामगंगा के जो बीच का इलाका है उसने जबरदस्त तरीके से फरुखाबाद में तबाही मचाई है। और प्रशासन की अगर मदद की बात करें तो लोगों तक कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है, पीने के पानी तक को लोग तरस रहे हैं, जिसके बाद आला प्रशासन ने जो है वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था करके और लोगों को मदद मुहैया कराने की कोशिश की है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पुनित। तो फरुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे बताए जा रहे हैं। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। बीजेपी विधायक यहां पहुंचे हैं, साथ ही साथ लोगों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। मेरठ में सरधना के नवीन मंडी ग्राउंड में 28 तारीख से लगने वाले प्रशासनिक दीपावली मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं तैयारियों की जानकारी देते हुए सरधना के उपजिलाधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस मेले में रेड़ी और ठेली वालों के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मेले में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। तो मेरठ के सरधना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दीपावली मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे में जिलाधिकारी का कहना है कि यहाँ पर जो ठेले लगाने वाले लोग हैं उनके रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में दिवाली मेले का आयोजन 28 तारीख से 3 तारीख के मध्य आयोजित किया जा रहा है। सरधने में मंडी परिसर में ये मेला लगाया जाएगा। इस मेले में पटरी दुकानदार उनकी आय बढ़ाने के लिए मुख्यतः इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में सभी तरह की दुकानें लगेंगी, लघु उद्योग से रिलेटेड भी दुकानें लगेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन प्रतिदिन होगा, जिसमें 28 तारीख को मैजिक शो होगा। कानपुर में एक युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने आरोपी के घर पर पोस्टर लगा दिया है। बता दें कि आरोपी बर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसने बीते दिन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया था और फरार हो गया था। तो कानपुर की तस्वीरें, जानलेवा हमले के आरोप में आरोपी के घर पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। पुलिस ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि अपने साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने युवक पर जानलेवा हमला किया था और मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई है, लेकिन ऐसे में मुनादी कर साथ ही साथ नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। कासगंज में एक अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी देते हुए पुलिस को बुलाया है। युवक के शव को और पुलिस ने कब्जे में लिया। बता दें कि युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबरों की माने तो ट्रेन ट्रैक पर इस युवक का शव मिला था, जिसके बाद लोगों ने युवक के ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका जताई है।
कासगंज की तस्वीरें। युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार इसकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है, लेकिन जानकारी मिली है कि अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अमेठी में मछली पकड़ने गए तीन लोगों पर डंफर चढ़ने से हादसे में दो लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि तीनों युवक देर रात तालाब पर गए थे, वहीं इसी बीच वो सड़क किनारे सो गए, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले डंफर ने तीनों युवकों को कुचल दिया। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बताया जा रहा है कि अमेठी में देर रात मछली पकड़ने के लिए तीनों युवक निकले थे और ऐसे में रात में वो वहीं पर सो गए। डंफर ने तीनों युवकों को कुचल दिया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कासगंज में कूड़े कचरे को हटाने के लिए स्थापित किया गया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बता दें कि करीब 3 करोड़ की लागत से बने सेंटर को तैयार हुए कई महीने बीत चुके हैं। वहीं नगर पंचायत की माने तो प्लांट संचालक के लिए शासन की ओर से मशीनों और संस्था के लिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते सेंटर को शुरू नहीं किया गया। तो कासगंज का यह पूरा मामला है, जहां पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर शुरू नहीं हुआ है, जिसके बाद 3 करोड़ की लागत से ये सेंटर बनकर तैयार हुआ है। हरदोई के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अस्पताल में एक कोबरा सांप लेकर पहुंच गया। बता दें कि एक युवक ने सांप अपने घर में पकड़ा था और उसी समय सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाद युवक ने सांप को डब्बे में बंद कर लिया और अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया, जिसके बाद वहां मौजूदा लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, जहां पर सांप को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा युवक, सांप देखते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक को सांप ने काट लिया था, ऐसे में उसने सांप को डब्बे में बंद किया और अस्पताल पहुंच गया। एक फोन के द्वारा सूचना मिली थी कि क्या कहते हैं जिला चिकित्सालय में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था, जो उस व्यक्ति ने ही उस सांप को डब्बे में भर के अपने साथ लेके जिला चिकित्सालय में आया, जिससे काफी जो और लोग थे यहाँ पे उपस्थित थे उनमें अफरा तफरी मची। तो वन विभाग के द्वारा फोन किया, मतलब वन विभाग को फोन किया गया, वहाँ से मेरे डेपो सर को फोन हुआ, रेंजर सर के पास फोन आया, उन्होंने मुझे हम दोनों लोग को सूचना दी कि जाके वहाँ पे देखो कैसे क्या है। और मैं यहाँ पे मौके पे आया, देखा तो वहाँ एक मतलब काफ़ी पुराना और भयंकर और किंग कोबरा है। अरे ये घर में था, माता जी पानी भरने चले गई, ये चीले के पास जा रहा था। अब मैं मोबाइल लगा के आया वहाँ से, कतला देखा ये अंदर था, तो हमने इसको पकड़ा और पकड़ के डिब्बे में बंद कर लिया। अमेठी के मुशीनगर कोतवाली क्षेत्र में श्रीपुर मदुरे सराय गांव के एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें कि आरोपी पत्नी से विवाद के चलते उसके धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है, जहां पर पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में एक नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। तो बहराइच का एक पूरा मामला, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, गांव के ही युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। घर के बगल में रसीद का बाग है, वहाँ पे मेरी माँ और ये मेरी बहन गई थी, तो मतलब मैं लेटरिंग करके मेरी माँ रोड पे आ गई, तो मतलब इतने में गांव का लड़का एक मिठाई का ठेला लगाता है, मुबारक नाम है उनका, लड़का जबरदस्ती किया और बगिया में घसीट कर खींच के ले गया, मतलब मारा भी पीटा।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहता है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार भी उसके तमाम दावे हैं और कानून व्यवस्था भी काफ़ी टाइट है, उसके बावजूद भी जो जिस नरपिशाच हैं, जो दरिंदगे हैं, लगातार वो अपनी हैवानियत करते ही रहते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भी देखने को मिला है, जहाँ पर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में एक दरिंदे ने काफ़ी जघन तरीके से बलात्कार किया। उस बलात्कार के बाद उस बच्ची को काफ़ी जख्म आए हुए हैं और 24 घंटे से बीतने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, और जब पीड़ित परिवार थाना कोतवाली देहात जाता है तो वहां से उसको उन परिवार को भगा दिया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।